हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फीफा भी आज हमारे साथ हैं। आज हम जा रहे हैं चांद, रात का चांद देखने। तो आप लोगों को भी चांद दिखाते हैं, हम फीफा भी दिखाते हैं। ये देखें कहाँ गया हमारा चांद। ये रहा हमारा चांद, बिल्कुल ये रहा चांद। तो आप लोगों को सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। अरे ये भी फीफा ही बोल रहा भाई आप लोगों को। गाइस आपका भाई तैयार हो चुका है ईद के लिए ना। अब बस 5-10 मिनट रहते हैं नमाज में ना, तो मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। भाई हमारे 7:30 बजे वाली नमाज है और दूसरे जो दोस्त लोग हैं वो 7 बजे पढ़ के आ गए। ईद मुबारक दे रहे हैं। मैंने कहा भाई का जमात खत्म हो गई क्या? कह रहे नहीं। मैंने कहा भाई यहाँ पे ताब है थी तुम लोग की 7 बजे, हमारे यहाँ तो भाई 7:30 बजे। ईद की नमाज में सबसे पहली चीज़ ये नज़र आती है गुब्बारे, छोटे छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे। मस्जिद पहुँच गए हम लोग, मस्जिद के दरवाजे पे पहुँच गए हैं। नमाज पढ़ ली है, वापसी जा रहे हैं नमाज पढ़ के घर। आज का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, पता आप लोगों को। और सब लोगों को, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बाकी सबको भी ईद मुबारक। भाई रास्ते में लोग इतने सारे मिल जाते हैं ईद मुबारक के लिए। ये देखें सारे रास्ते में नमाज पढ़ के आओ, सारे मोहल्ले वाले हर लोग हर बंदा मिल जाता है ईद मुबारक। तो चलें अब घर की तरफ चलते हैं। चलें भाई घर में चलते हैं, क्या होता क्या सीन है क्या नहीं है। तुम अब तक तैयार नहीं हुई ईद मुबारक? ये देखिए आप लोग तरफ तैयार ही नहीं हुए भाई लोग। तो ना भाई बेगम तो तैयार हुई नहीं हमारी, अम्मा से मिल लेंगे। राय सीन कुछ ऐसा है कि ईद वीद मिल ली है सबसे, नमाज भी पढ़ के आ गया था मैं, ईद घर वालों से भी मिल ली। तो अब जाना है हमें दादा के घर पे। असल में दादा का 22 जनवरी 2022 में अभी इंतकाल हुआ था, तो इस वजह से दादा के घर पे पहली ईद है। तो उनके पुरसे के लिए जाना है, तो वहाँ पे अच्छा ही रहेगा व्लॉग बनाते हुए, तो मैं वहाँ व्लॉग नहीं बनाऊँगा। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं 1 बजे आकर दादा के पुरसे से, तो मैं सो गया था, बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी क्योंकि मैं ना कल रात से नहीं सोया हुआ था, तो बहुत टाइट नींद आ रही थी। अब मैं अभी उठाऊँ कुछ मेरी आंखों में अभी भी नींद होगी। टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, आपका भाई अभी सो के उठा। अब जाना दावत में ना, तैयार होते हूँ मैं, आंखें नहीं खुली अब तक, पर जाना जरूरी है दावत में। हेलो गाइस, तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज तीसरी ईद है। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हमारे घर पे दावत है,
हमारी बहन की और बहन भाई की दावत है, उसके घर वालों की दावत है। तो आज का सीन है दावत। तो कल का दिन तो हमारा कोई इतना अच्छा खास गया नहीं, अब तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो कल का दिन बस एम ही बस थोड़ा सा ही हुआ और ख़त्म हो गया। और आधे दिन तक तो मैं सोता रहा, फिर उसके बाद मैं रात में ससुराल में दावत, ससुराल पे फिर की भाभी की फुप्पो के घर पे दावत, तो वहीं पे बिजी रहे। तो आज का प्लान कुछ ये है कि जब हमारे घर पे आएंगे तो हमें ईदी भी बांटनी पड़ेगी। तो आज हम जो है ईदी बना रहे हैं, तो आप लोगों के सामने बनाएंगे, देखते हैं भाई किसको कितनी ईदी जाएगी। और आज हम लोग एक ऑप्शन भी रखने वाले हैं ईदी में कि भाई जिसको ईदी लेनी होगी 3 एनवलप देंगे। इसके अंदर भी कुछ भी हो सकता है, इसमें 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं और 5000 भी हो सकते हैं। गाइस मैंने सोचा क्या कहते हैं, ईदी बनाने से पहले अपनी ईदी जितनी आई है वो गिन लें। तो चले आए आपके सामने, गिनते हैं और खोलते हैं लिफाफे के भाई क्या क्या कितनी ईदी हुई है आपके भाई की। चलो जी, तो गाइस पैर एनवलप से खोलते हैं, देखते हैं भाई पैर एनवलप किसने कितना दिया, वो नाम बताएंगे और ये बताएंगे किसने कितना दिया। भाई ये मेरे अम्मा अब्बा ने दिया, ये वाला लग रहा है मोटा तो लग रहा है, ये अम्मा अब्बा ने दिया है मेरे, देखते हैं इसमें कितना है। लग तो मोटा रहा है भैया, देखते हैं अब इसमें कितने, पहले झांकते हैं देखते हैं कि भाई कितने है। मोटा लग रहा है भैया, हजार के लग रहे हैं नोट बहुत सारे, हजार के देखते हैं, चले गिनते हैं, एक दो तीन चार पांच, वाह भाई 5000 रुपए दिए भैया अम्मा अब्बा ने, माशाल्लाह शुक्रिया आदाब। अब आ जाओ भाई ससुराल की तरफ, ससुराल सास ससुर ने कितने दिए हैं ये भी भाई मोटा लग रहा है मुझे, ये मुझे मोटा लग रहा है। चलो आ जाओ खोलते हैं, कितने 500 के, ये तो कुछ ज्यादा ही मोटा लग रहा है भाई मुझे। ओहो 500 के, इतने सारे 500 के। चलो भाई गिनते जरा कितने हैं, कितने, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10। ओए हुए ये भी भाई 5000 रुपए, मजे आ गए ये, शुक्रिया आदाब। तो भाई अब आ जाए दूसरे एनवलप पे, वो ये है ये वाला भाई, ये भी मुझे लग रहा है मोटा है भाई, इसको भी खोल कर देखते हैं कितने। ओहो इसमें भी भाई 1000 रुपए हैं, फोल्ड हुआ हुआ था ये, 1000 रुपए। और अब है लास्ट एनवलप भाई, ये भी मोटा लग रहा है यार मुझे, असल में सारे मोटे, अच्छा जितना मोटा लगता है ना एनवलप इंसान को उतनी खुशी होती है, पता नहीं क्यों नेचुरली है ये। चले यार देखते हैं इसमें भी कितने, 100-100 के नोट हैं बहुत सारे इसमें, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10। भाई वाह 1000 रुपए भाई सैन में रखने भी। और ये भी हैं भाई, ये भी हैं ये भी ईदी में आए हैं हमारे पास। चले
अब गिनने थे भाई कितनी ईदी कितनी हुई है आपकी टोटल भाई की आपके। तो ये आ गए हमारे अम्मा अब्बा वाले, 1 2 3 4 5, और ये आ गए हमारे ससुराल वाले, एक ये भी पांच थे ना, ये हो गए 10, और ये एक हमारे ये वाले आ गए भाई 1000 वाले, ये हो गए 11, और एक ये वाले आ गए, ये हो गए 13, सही है, ये हो गए 13, और ये आ गए 2000 और आ गए हमारे पास, और कितने हो गए भाई 13 और 2 कितने हो गए 15000 रुपये आपके भाई के पास। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कहना मत भूलेगा भाई, भूलेगा। तो गाइस इतनी सारी ईदी आ तो गई है, पर लेकिन अब इस ईदी को बांटना भी तो पड़ेगा, तो चले आ जाए अब बनाते हैं एनवलप सबके लिए, और जो मैंने आपको बताया था कि 4-4 का, तो वो सबका जो है 4-4 का करते हैं। तो कोई 10-12 लोग हैं तो सबके लिए क्या कहते हैं 10-12 एनवलप बना लेते हैं, और सबके अंदर जो है ना 1000-1000 का जो है नोट भी डाल देते हैं। तो 1000-1000 के जो नोट हैं सारे ये वाले 1000-1000 वाले अलग बनाते हैं, सही है, उसमें हम अपनी निशानी रखा के रखेंगे कि भाई हमने जो है हम कोशिश करेंगे वो वाला ना ले सके पर लेकिन आप वो अगर वो ही मांगेगा तो आप क्या करें, देना पड़ेगा। तो 1000 वाले इस तरफ रखते सारे, 1000-1000 वाले सारे इधर रख दिए हमने। सो गाइस एनवलप्स बन चुके हैं सारे, सबके एनवलप्स बना दिए हैं, और 1000-1000 के कुछ इसमें 5 नोट हैं, और बाकी जो हैं बाकी 100-200 वाले। तो आप देखें इसके, अच्छा मैंने अपने लिए निशानी रखी हुई है कि कौन सी किस में कितने हैं, तो अब देखें कौन सा क्या लेता है और कौन सा क्या नहीं लेता है। ईदी पैक हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद तैयार होके, और दावत में सब लोग आएंगे तो उसके बाद ईदी भी बांटेंगे, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस आपका भाई तैयार हो चुका है, अब मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, मेहमान कब आएंगे, हर चीज रेडी है A to Z। भाई मेहमान आ गए, अब जो है बहुत भूख लग रही है मुझे, तो खाने का इंतजार कर रहा हूँ कि यार खाना कब रहेगा। कुछ लोग रह गए हैं उनका इंतजार है, लेकिन आपके भाई से इंतजार नहीं हो रहा, दिल चाह रहा है कि पहले ही खाना खा लो, अरे क्या करें इंतजार करना पड़ेगा मेहमानों का, भूख के मारे पागल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब अर्ज़े, अस्सलाम वालेकुम भाई, लाइन पे आ जाओ, लाइन पे जल्दी से आ जाओ, जल्दी अलीशा सारे ले जाओ, खोलो 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 खोलो, ये सही था। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नुकसान में, ओह वेरी गुड वेरी गुड। हमने कहा था कि सब एक एक मतलब चूज करके ले लो, पर लेकिन सब लोगों ने नुकसान में रहे, सारे के सारे जो है ना एक एक करके ले गए, और एंड वाला जो बंदा था ना एंड वाला वो फायदे में रहा, उसको मिले 1000 रुपए, और बाकी सबको ना जो है कम कम पैसे मिले।